ग्राम बेलई में रहवासियों ने खोली विकास की पोल, शौचालय और कुटी नहीं मिलने से लोग परेशान, जनपद सदस्य ने विकास यात्रा पर उठाए सवाल। दरअसल जहां एक ओर विकास यात्रा की शुरुआत की गई है तो वहीं दूसरी ओर गांव में योजनाओं का लाभ नहीं मिलने से ग्रामीण परेशान हैं। जहां एक ओर गांव में जगह जगह गंदगी फैली हुई है और नालियों की महीनों से सफाई नहीं की गई, तो वहीं गांव में कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल सका और शौचालय नहीं होने की वजह से लोग शौच के लिए बाहर जाने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने बताया कई बार कुटी के लिए भी आवेदन किया गया लेकिन आज तक उन्हें कुटी नहीं मिल सकी और बरसों से टूटे हुए टपरे में रहने को मजबूर है। वहीं स्कूल में स्थित रसोई घर के हालात भी ऐसे हैं जिसमें महिलाएं जान जोखिम में डालकर जर्जर किचन में बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन तैयार करती हैं। महिलाओं का कहना है कि कई बार इसकी शिकायतें की जा चुकी हैं। साथ ही गाँव में आई विकास यात्रा में महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा और शिकायतों का अंबार लग गया। विकास यात्रा को लेकर जनपद सदस्य पीपी नायक ने सवाल उठाए हैं। सामने राम रजक है, मैं मेरे घर के सामने गंदगी हो रही है और मैं इसकी मेरे देवता है चबूतरा, वहाँ पर पानी जा रहा था गंदा, तो मैंने शिकायत पंचायत में भी की तो उन्होंने कहा हो जाएगा। फिर इसके बाद हमने अपने व्यवस्था करी उन्होंने डालने की कि हमारा पानी न जाए, तो भी आए देखने के लिए किसी शिकायत कर दे कि RCC पर डाल रहे हैं जी लोग, तो भी आए सरपंच साहब खुद उन्होंने देखा कि RCC पर तो नहीं है जी, वो तो अपनी जगह में डाल रहा है। फिर इसकी बात किसी ने उनके भर दिया और मेरी रिपोर्ट कर दी सर, सरपंच ने रिपोर्ट कर दी मेरी। तो यहाँ पे सफाई का होती नहीं है? नहीं सर, यहाँ का कभी सफाई नहीं होती है। अपने शिकायत करोगे तो कहते वो काम नहीं होगा, ये कैसे देते सर, हम लोग परेशान हो, पूरा गंदा पानी पूरा हमारे यहाँ जाता है सर। हमारे घर कोई व्यवस्था नहीं है, हमारे एक लड़का मजूरी कर रहा 15 साल हो गई और हमें कोई बन नहीं है, हम बहुत परेशान हो रहे हैं सर, हम क्या करें जा बताओ। कुटी है कोई नहीं आ रही, हमने फार्म भरे मैंने कुटी नहीं आ रही है। सरपंच से कही थी हम, सचिव नहीं कर रहे हैं, भी सुन के रह जाते आ रही है। हाँ हमें हो गए 40 साल है, हाँ ऐसे ही में रह रहे। हमारा नाम लक्ष्मी है, ग्राम बेलई से बोल रहे हैं, माध्यमिक शाला बेलई स्कूल का नाम। किचन में बहुत दिक्कत आती है, बरसात कीचड़ हो जाते है, बच्चों को भी परेशानी होती, हम लोग बनाते हैं पूरे में देखते पानी भरे में खाना बनाते हैं, कंडा लकड़ी भी गीले हो जाते हैं, कई बार मांग कर चुके हैं किचन की, कोई सुनता ही नहीं है। टूटी है ऊपर से छत, माने ऊपर से पानी चुआ था पूरी किचन में भर जा रही है। विधायक से करी सर, जो भी स्कूल में आते हैं और सबसे करी शिकायत, विधायक भी सरपंच हैं सर, जो भी आते हैं सबसे शिकायत कर ले। हम कम से कम 10 साल हो गई, नालियां चौक पड़ी हैं, उसमें गंदगी पड़ी है, कहीं इनके शौचालय बने नहीं है, लोग शौच करने खुले में जा रहे हैं, राशन पर्चियां इनकी बनी नहीं है, आम आदमी बहुत परेशान हो रहा है। उसकी शिकायत हम जनपद पंचायत में पहले भी कर चुके हैं, कुटीरों का काम हो नहीं रहा है, राशन पर्चियां लोगों की बनी नहीं है, तो यह चूंकि चुनाव आ गया है, चुनावी वर्ष है, इसलिए यह दिखावा कर रहे हैं विकास का, कहीं कोई विकास ना हो रहा है ना कहीं होना है, केवल यह लोगों को मतदाताओं को भ्रमित करने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। हम विकास यात्रा की क्या जरूरत थी, आज आप 4 साल से 3 साल से शासन में हो, आज पूरे काम हो जाना थे और आप उसकी समीक्षा करते कि हाँ चारों तरफ विकास हो चुका है, उसकी हम समीक्षा कर रहे हैं, अधिकारियों को लेकर जा रहे हैं और यह टोटल प्रकोप गंदा है, यह दिखावा कर रहे हैं, कहीं कोई विकास ना हुआ है ना इनकी सरकार में होने की संभावना है। के लिए शासन ने राशि सभी पंचायतों को दी है, CEO साहब स्वच्छता के लिए पंचायतों में राशि दी है और यदि कई ऐसी शिकायत आती है तो वो भी देख लेंगे, उस पर भी काम लोग करा लेंगे। करोड़ों रुपए आया है शासन का, और स्वच्छता का जो शासन का मूल उद्देश्य है उसको हम लोग उस पर ध्यान देंगे। ग्रामीणों ने कहा है कि अभी तक शिकायत, कुछ नालियां ऐसी पैक हैं कई महीनों से साल सफाई नहीं हुई है, उसको लेके सरपंच की भी जवाबदारी होती है, पंचायत की जिम्मेदारी होती है और हम लोगों के संज्ञान में आए तो हम लोग सरपंच से कहकर उस समस्या का समाधान करा।